43 कर दिया गया है, कश्मीर में 46 से 47 कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि जल्द से जल्द कोर्ट चुनाव आयोग अपना चुनाव करवाए वहां पर, इसको लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और वो बिल भी संसद में पेश किया जा चुका है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बिल संसद में पेश हो चुके हैं और लोकसभा से पास भी हो चुके हैं। राज्यसभा में आज ही चर्चा होने का लिस्टेड है, राज्यसभा में आज बिल चर्चा होकर आज पास किया जा सकता है। तो हो सकता है विन विन सिचुएशन में अमित शाह और उत्साहित होकर बोले, और तो बार बार ये तो आप 37-43 करने की बात कर रही है और साथ साथ 46-47 वो तो पीओके के जो 24 सीटें हैं उस पर भी दावा कर रहे हैं कि जो पीओके में 24 सीटें हैं आज भी हमारा है पीओके, उसको हम लेकर रहेंगे। और बार बार जब पेश किया था उन्होंने बिल, तब भी उन्होंने कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, पीओके को लेकर रहेंगे। मिलाकर ये दोनों पक्षों की जीत है। देखिए, जम्मू कश्मीर के याचिकाकर्ताओं की भी जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, चुनाव कराया जाए। ये दोनों मांगे बहुत मुखर तरीके से राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के उठा रहे थे, विन विन सिचुएशन उनके लिए है। और केंद्र सरकार ने जो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कि वो फैसला बिल्कुल सही था। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। और 16 दिन दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपने आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है न्याय डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है, परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलस जो है पेटीशन डालते हैं, परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी, दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। अपील रिव्यू पेटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पेटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, ताकि वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। आई बींग द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड इंटरनेट। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का। और अब जस्टिस संजय किशन कौल अपना फैसला पढ़ रहे हैं। इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपना फैसला पढ़ा और 5 जजों की यह बेंच महत्वपूर्ण फैसला सुना रही है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर। रवि त्रिपाठी, जल्दी से बताइए अपडेट। बिल्कुल, देखिए नया अपडेट यही है जो आप जानना चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं लद्दाख
दोनों जो यूनियन टेरिटरी हैं उसको लेकर जो सवाल थे किए गए थे कि उनको क्या अलग रखना है या एक साथ फिर से करना है, तो दोनों को वैध करार दिया है कि दोनों जो डिवीजन हुआ, जो दोनों यूनियन टेरिटरी बनाया गया है खासतौर पर लद्दाख को अलग से, उसको वैधता दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। यानी लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी रहेगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये जल्द हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ साथ 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो, तो 30 सितंबर से का कहने का अर्थ देखिए समझना पड़ेगा आपको, सितंबर के बाद यानी अक्टूबर आता है, अक्टूबर महीने के बाद चुनाव कराना जम्मू कश्मीर में टफ हो जाता है, वहां जो मौसम है उसके हिसाब से, सिक्योरिटी प्लस मौसम दो वजह दी जाती है चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर का डेडलाइन दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव के साथ भी कराए जा सकते हैं चुनाव, और उसके बाद भी अलग से अगर कराना हो तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अलग से कराया जा सकता है, क्योंकि बाकी जो चुनाव होने हैं महाराष्ट्र का हो चाहे उसके और अन्य राज्यों का, झारखंड का चुनाव है, वो सितंबर महीने के बाद। तो रवि त्रिपाठी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, और इस ऐतिहासिक फैसले में 370 खत्म करने के फैसले को केंद्र सरकार के वैध ठहराया गया है, अस्थायी है 370 संविधान में स्थायी प्रावधान नहीं है। जो और बड़ी बात कही गई है वो ये कि केंद्र को फैसला लेने का हक है, यानी जिस समय राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में हो उसमें केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इससे अव्यवस्था होगी। 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद हटाने का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था, राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो बिल्कुल, उसको भी पुष्टि की गई है इस पूरे फैसले में। प्रणय बिल्कुल, और महत्वपूर्ण फैसला 5 अगस्त 2019 को जो आदेश जारी किया गया था उसे अपहोल्ड किया है, उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही कहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल वैध है। रवि त्रिपाठी जल्दी से बताइए और क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जस्टिस कॉल जब पढ़ रहे हैं फैसला, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला पढ़ा है वो बहुमत का फैसला था, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो बहुमत ने उस पर आम राय बनाई, जो लेट हुआ शायद 10:30 से 11 बजे का टाइम लगा इस फैसले को पढ़ने के लिए, आने के लिए जजेज को, पीठ को आने के लिए, तो शायद यही बात हुआ कि जो भी फैसला हो बहुमत का फैसला हो, यानी उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला शुरू से पढ़ा है लगातार आखिर तक, उसमें कोई दो राय नहीं है, वही फैसला बहुमत का फैसला है, ये क्लैरिटी की है उन्होंने, और साथ साथ ये भी कहा है, देखिए इसमें और एक चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले, जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन वो सब चलते रहेंगे, इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहाँ दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहाँ पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है, वो जो प्रक्रिया अपनाई गई गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है, जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 35A और 370 इतिहास हो चुका है, इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है, 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का